हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कार्डिगन का आपको आर्म होल कटिंग बताने जा रही हूँ। इसका मैंने लेफ्ट साइड का ये गला कैसे कट होता है वो बता दिया था, लेकिन इसमें मैं पूरा बता दूंगी कि इसको आर्म होल से लेके गले की कटिंग तक कैसे करते हैं। यहाँ से ये शुरू होता है और यहाँ तक हम कैसे इसको करेंगे, उसके बाद आप कंधा बनाएंगे। तो यहाँ से मैं शुरू करती हूँ। देखिए, लेफ्ट साइड मैंने बना दी है, लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गया है। लेफ्ट साइड हम पहले इसलिए बनाते हैं क्योंकि बटन होल्स का आइडिया आ जाता है। राइट साइड में हम बटन होल्स बनाते हैं, तो लेफ्ट साइड जब पूरी बन जाती है उसके बाद हम आइडिया लगाते हैं कि हमें कितने बटन लगाने हैं और कितने हमें बटन होल्स चाहिए, तो उसी हिसाब से हम राइट साइड बनाते हैं। तो जितना मैंने यहाँ तक आर्म होल तक लेफ्ट साइड बनाया है, उतना ही राइट साइड भी बना दिया है। अब इसमें देखेंगे यहाँ से कैसे इसका आगे बनेगा, आर्म होल कटिंग कैसे होगी। आर्म होल कटिंग सेम होगी, लेकिन इसमें मैंने सीधी साइड से की थी, इसमें उल्टी साइड से होगी, क्योंकि यहाँ हम एक ही साइड में करते हैं। इस साइड हमारी बटन पट्टी है, यहाँ से हमारा गला बनता है, इसलिए एक ही साइड पे इसकी कटिंग होगी। तो 5 3 2 1 फंदे में घटाऊंगी। देखिए कैसे, एक फंदा उतारा और एक फंदा बनाया। इस लाइन में 5 फंदे घटाने हैं। एक फंदा उतारने के बाद ये फंदा बनाया और इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे उतार दिया। ऐसे ही सारे फंदे घटाने हैं। एक घटाया, फिर ये ऐसे करके 2, फिर ये 3 और ये 4 और 5। इस उल्टी लाइन में हमने 5 फंदे घटा दिए। पूरी उल्टी लाइन करेंगे, फिर पूरी सीधी लाइन करेंगे। अब पूरी लाइन को जैसा बनाया होगा आपने, वैसे बनाएंगे उल्टी लाइन। जितने फंदे आपके कम हो जाएंगे उनको आप छोड़ देंगे। इसमें बता देती हूँ मैं आपको कैसे आपको कंप्लीटली इसको यहाँ से लेके आर्म होल की कटिंग से लेके और गले की कटिंग तक आपको इसको कैसे बनाना है ऊपर, वही मैं आज आपको क्लियर करने जा रही हूँ। कई लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे कि इसको आगे कैसे करना है, आर्म होल की कटिंग कैसे करनी है। तो जो बैक साइड होती है उसमें हम दोनों साइड कटिंग करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसी मैं इस लाइन में इधर से भी करूँगी, क्योंकि ये कार्डिगन है तो दोनों लेफ्ट और राइट साइड में हम एक एक साइड से करते हैं, एक साइड से इधर से और एक साइड से इधर से। तो ये पूरी लाइन में उल्टी बना लेती हूँ। तो ये मैंने पूरी उल्टी लाइन कर ली। अब देखिए, बटन पट्टी आपको चलाते हुए जाना है जहां तक कि आपकी गले की कटिंग नहीं शुरू होती। जैसे आपने अपनी बटन पट्टी बनाई है वैसे आप इसको बनाते हुए जाएंगे। सिर्फ जो हम आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं उन फंदों को छोड़ के जैसा आपका डिजाइन है वैसी बनेगा, उल्टी लाइन सीधी लाइन सब वैसी बनेगी। तो ये मेरी बटन पट्टी है, इसको भी मैं वैसी बना रही हूँ जैसे मैंने इसको बनाया है। इसको इसके साथ भी कुछ नहीं करना है, बीच में जो डिज़ाइन है वो भी कंटिन्यू करते हुए जाना है। तो ये पूरा आप कंटिन्यू करते हुए जाएंगे, उसके बाद फिर उल्टी लाइन में, हर उल्टी लाइन में इसमें आर्म होल की कटिंग होगी। तो मैं दिखाती हूँ कैसे करनी है। अब जैसे आप सीधी लाइन के एंड में आएंगे, आपको लास्ट वाला फंदा ऐसे उतारना है। हर बार जब तक आपकी कटिंग खत्म नहीं हो जाती आपको ऐसे ही उतारना है ये वाला फंदा। जब कटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद नहीं उतारना है। अब इस लाइन में 3 फंदे घटाने हैं। तो देखिए, इस फंदे को इसके अंदर से ऐसे लेंगे, उतारे हुए फंदे के अंदर से इस तरीके से ऐसे लेंगे। तो ये एक फंदा घट गया। अब ये 2 हो गए और ये 3 फंदे हो गए। बाकी की लाइन आपने जैसे बनाई है वैसी ही आपको बनानी है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। पूरी उल्टी लाइन और पूरी सीधी लाइन और लास्ट का फंदा उतारना है सीधी लाइन में। अब फिर से मैं आ गई हूँ उल्टी लाइन में। तो अब इस लाइन में 2 फंदे घटाएंगे, एक फंदा ऐसे घट जाएगा। इसमें 2 घटाने हैं, ये वाला घटा और एक और करके इसके ऊपर से ऐसे निकालेंगे, तो 2 फंदे घट जाएंगे। बाकी को
ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे। अब देखिए लास्ट वाली लाइन में हम एक ही फंदा घटाएंगे यहाँ पे, ये ऐसे करके घटाया। अब जैसी आपकी लाइन बनी हुई है पूरी लाइन को आप ऐसी बनाएंगे, और जहाँ तक गले की कटिंग इसकी होती है कम से कम 5 इंच इसके बाद इसको बनाना है, तो वैसे ही बनाते हुए जाएंगे, बटन पट्टी को भी कंटिन्यू करते हुए जाएंगे। उसके बाद मैं बताती हूँ कि इसको राइट साइड में हम गले की कटिंग कैसे करेंगे, गोल गले की कटिंग है ये। अब देखिए एक चीज़ और बताती हूँ, ये मेरा 8 फंदों का डिज़ाइन था केबल का, तो अब देखिए इसमें 2, 4, 5 फंदे ही रह गए हैं। तो इसको जैसा ये है इसको मैं वैसी ही कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मेरे उसमें फंदे कम हो गए हैं। वैसी भी आपको भी करना है, वैसी आपको भी करना है। ये देखिए यहाँ पे ये कट गया है, तो इसके बाद मैंने ये 2 फंदे उल्टे बनाते हुए गई हूँ, और बाकी जितने बचे थे उनको मैंने सीधा रख दिया है। तो ऐसे ही आपको भी करना है, अगर आपका डिज़ाइन ऐसे इसमें कट जाता है आधे फंदे, तो आपको वैसे ही उसको कंटिन्यू करना है आगे तक इस तरीके से। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, बाकी मैं आगे बताती हूँ कि इसकी कटिंग कैसे करते हैं। पहले मैं इसको इतना 5 इंच बना लेती हूँ, जहाँ तक मैंने लेफ्ट साइड की कटिंग की है, कम से कम 5 इंच इसको आगे बनाएंगे, उसके बाद इसकी राइट साइड की मैं गले की कटिंग बताती हूँ। अब आगे देखिए इसकी गले की कटिंग बताने जा रही हूँ। ये वाला मैंने बता दिया था, लेफ्ट साइड का मैंने सारा वीडियोस डाला हुआ है कि इसका गले की कटिंग कैसे करनी है, गोल गले की कटिंग है ये। तो सेम जैसे मैंने इसमें किया है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में फ़र्क ये होता है कि लेफ्ट साइड में हम गले की कटिंग उल्टी साइड से करते हैं, और इसमें हम सीधी साइड से करते हैं। तो जिस साइड आपकी पट्टी आती है वहीं से आप शुरू करेंगे। तो पहले या तो आप ये वाले फंदे जो है इनको बंद कर दीजिए, जो बटन पट्टी के फंदे हैं, या आप उनको बंद कर दीजिए, या फिर आप इनको ऐसे बना के और एक जो सेफ्टी पिन है उसमें आप निकाल सकते हैं। तो मैं ऐसे इनको बनाऊंगी, पहले 10 फंदे सेफ्टी पिन के, 10 फंदे बटन पट्टी के बना के सेफ्टी पिन पे डाल दूंगी। देखिए ये 10 बटन पट्टी के फंदे हैं, इनको मैं ऐसे सेफ्टी पिन में डाल दूंगी, या पिन होल्डर जो भी आपके पास हो उसमें आप डाल देंगे। ये फंदे सेफ्टी पिन में डाल के ऐसे छोड़ देंगे इनको, ये बाद में गला बनाने के काम आएंगे, इसलिए इनको ऐसे डाल के छोड़ दिया। अब आगे देखिए इस लाइन में हम 6 फंदे घटाएंगे, सबसे पहली लाइन में 6 फंदे घटाएंगे। ये एक फंदा बनाया और इसके ऊपर से उतार दिया, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि 18 फंदे मुझे टोटल घटाने हैं। लेफ्ट साइड में भी मैंने 18 घटाए थे गले के लिए, तो इसलिए इसमें भी 18 ही घटाऊंगी, बाकी जितने बचेंगे वो कंधे के लिए छोड़ देंगे ऐसे। तो इसमें सबसे पहली लाइन में, हर सीधी लाइन में इसमें, ये देखिए हर सीधी लाइन में इसमें गले की कटिंग होगी। तो सबसे पहली लाइन में 6 फंदे घटाए, अब बाकी की लाइन जैसे है वैसी बनाएंगे, पूरी सीधी लाइन और पूरी उल्टी लाइन कर लेंगे, उसके बाद इसमें और फंदे घटाएंगे। तो इसको मैं पूरी लाइन बना के दिखाती हूँ आगे। अब जैसे आप उल्टी लाइन करके इसके एंड में आएंगे, आपको ये फंदा ऐसे उतारना है। जब तक आप गले की कटिंग कर रहे हैं ये वाला फंदा आप उतारेंगे हर बार, उससे जो है एजिंग स्मूथ आती है, पहले भी मैंने बताया था। अब पलट लेंगे इसको, तो पहली लाइन में हमने 6 फंदे घटाए, पहली जो सीधी लाइन की उसमें 6 फंदे घटाए। अब दूसरी सीधी लाइन में हम 3 फंदे घटाएंगे, जैसे लेफ्ट में किया है वैसे मैं राइट में भी कर रही हूँ। 1 हो गया ये 2 और 3, अब पूरी लाइन सीधी और एक उल्टी ऐसी करनी है, ये पूरी लाइन सीधी और फिर उल्टी, लास्ट में फंदा उतारना है जैसे मैंने बताया। अब देखिए फिर उल्टी लाइन करने के बाद सीधी लाइन में आ गए, अब इस लाइन में भी 3 ही फंदे घटाएंगे। ये देखिए एक फंदा ये घट गया,
ये दो और ये तीन, क्योंकि मुझे 18 फंदे घटाने हैं तो मैंने उसको उसी मैंने हिसाब से उसको डिवाइड किया है। तो आपके पास जितने आपको कंधे पे रखने हैं वो डिसाइड कर लीजिए। 28 या 26 फंदे आपको फंदे 28 या 26 फंदे आपको कंधे पे रखने होते हैं, उसके अलावा आपके पास जितने फंदे बचेंगे वो आप गले के लिए घटा देंगे, गोल गले के लिए घटा देंगे। तो उसको आप डिवाइड कर लीजिए, सबसे पहली लाइन में आपको थोड़े ज़्यादा फंदे घटाने हैं, उसके बाद थोड़ा कम और लास्ट में कम कम करते हुए जाएंगे, वैसे उसको डिवाइड करना है। तो मैंने सबसे पहली लाइन में 6 फंदे घटाए, इसमें हर सीधी लाइन में कटिंग होगी, तो सबसे पहली लाइन में मैंने 6 फंदे घटाए, फिर तीन, तो टोटल 12 फंदे हो गए। अब नेक्स्ट लाइन में मैं 2 फंदे घटाऊंगी, उसके बाद एक 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 एक, चार बार एक फंदे घटाऊंगी, तो चार बार एक एक फंदा घटाऊंगी तो मेरे सारी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब ये पूरी लाइन कंप्लीट करके उल्टी लाइन करके दिखाती हूँ, हर सीधी लाइन में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कटिंग सीधी लाइन में ही होगी, बाकी का आपको वैसे ही बनाना है। अब जैसे मैंने इस साइड में ये केबल रखी थी, ये इसमें बंद हो गई है क्योंकि ये फंदे घट गए तो बंद हो गई, मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये आगे का डिज़ाइन जैसा है वैसे ही बनाना है। अब देखिए इस सीधी लाइन में, फिर से सीधी लाइन में आ गई हूँ मैं, तो इसमें भी हम इसमें दो फंदे घटाएंगे, एक फंदा तो ऐसे घट जाता है जो मैंने इधर से उतारा हुआ है उल्टी लाइन से, उसको इस तरीके से एक फंदे के साथ घटा देंगे और एक और फंदा घटाएंगे, तो ये मेरे टोटल 2 फंदे हो गए। अब यहाँ तक जो मैंने कटिंग की है वो 14 फंदे मेरे घट गए हैं, अब मुझे 4 फंदे और घटाने हैं, तो हर सीधी लाइन में एक 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 फंदा 4 बार घटाऊंगी तो वो कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। वैसी ही आपको भी करना है, आपके पास जितने फंदे होंगे उनको आपको ऐसे घटाना है, तो इतने तक मेरी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी 4 फंदे जब मैं घटाऊंगी। और उसके बाद अगर आपकी जो ये शोल्डर की लेंथ है अगर वो कंप्लीट नहीं होती है तो आगे उसको आपको वैसे ही बनाते हुए जाना है, जितने फंदे शोल्डर के होते हैं उनमें ही आपको आगे तक इसको बनाते हुए जाना है, उसको कुछ भी नहीं करना है। और टोटल जो आपकी शोल्डर की लेंथ होती है वो यहाँ से लेके यहाँ तक 10 इंच होती है, आपको टोटल उसको 10 इंच बनाना है, नाप लीजिए आप और उसको उतना ही बनाइए। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसका गला, हम फंदे उठा के इसका गोल गला कैसे बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।